सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन इन्फोमैट्रिक्स चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में जो मोनेटाइजेशन आने वाला है नए साल से, उस मोनेटाइजेशन में आपको क्या फायदा होगा, आपका शॉर्ट्स मोनेटाइज होगा, उस शॉर्ट्स की जो थ्रेशहोल्ड है उससे आपके लॉन्ग वीडियोज भी मोनेटाइज हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है 1000 सब्सक्राइबर्स आपको पूरे करने हैं, साथ में आपको करना है 10 मिलियन के व्यूज 90 डेज में। तो अगर आप ये जो है थ्रेशहोल्ड आप कर लेते हैं पूरा जो शॉर्ट्स के लिए है, तो साथ में आपका जो है शॉर्ट्स तो आपके मोनेटाइज होंगे। अगर आपके चैनल पे लॉन्ग वीडियोस हैं वो भी आपके मोनेटाइज हो जाएंगे। तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं कि जो शॉर्ट्स को कैसे मोनेटाइज करना है, शॉर्ट्स को मोनेटाइज करने के लिए कितने व्यूज चाहिए, दिन में कितने व्यूज चाहिए। मैं इसकी सारी कैलकुलेशन लेकर आ गया हूं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कैसे आपका जल्दी जल्दी मोनेटाइज होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, चलिए जानते हैं शॉर्ट्स के व्यूज कैसे पा सकते हैं, कैसे इसके व्यूज को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे मैं सारी आपको डिटेल्स कैलकुलेशन आपको बताता हूं कि YouTube के जो शॉर्ट्स के जो व्यूज हैं हम कैसे पूरा कर पाएंगे नए साल में, जब ये जो है लागू हो जाएगा रूल कि आपको 10 मिलियन के व्यूज पूरे करने हैं 90 डेज में। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता होगा 10 मिलियन आपको करना है 90 डेज में, आपको व्यूज पूरे करने हैं 10 मिलियन के व्यूज आपको पूरे करने हैं 90 डेज में। तो ये जो है बेसिकली 10 मिलियन कितना होता है, आप सभी लोगों को पता होगा 10 मिलियन होता है 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 7 जीरो होती हैं। अब इस 1 करोड़ को आपको 1 करोड़ के व्यूज को पूरा करने के लिए आपको डेली व्यूज कितने चाहिए आप कैलकुलेट करिएगा। तो आपको डेली व्यूज चाहिए होंगे 1,12,000 व्यूज चाहिए होंगे आपके शॉर्ट्स पे। चाहे आप एक शॉर्ट्स बनाए, दो शॉर्ट्स बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, पांच बनाए, वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको 1,12,000 व्यूज कम से कम चाहिए डेली। उसके बाद आपको उसमें फिर 1,12,000 अगर आपके डेली व्यूज आपको मिलते हैं शॉर्ट्स पे, तो 30 डेज में आपके हो जाएंगे 33,60,000 आपके हो जाएंगे 30 डेज में, मतलब कि एक महीने में आपको 33,60,000 आपके व्यूज हो जाएंगे। और ये जो है एक महीने में है, तो आपके 3 महीने में कितने होंगे, 3 महीने में आपके हो जाएंगे 1 करोड़ 80,000 आपके व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप 1,12,000 व्यूज आप अचीव करते हैं डेली, तब आपके जाके 90 डेज में 1,80,000 आपके व्यूज होंगे। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 2 शॉर्ट्स डालने पड़ेंगे, और 2 शॉर्ट्स में अगर आप 2 शॉर्ट्स डालते हैं तो हर शॉर्ट में कम से कम आपके 56,000 आपके व्यूज आने चाहिए। हर शॉर्ट में अगर आपके 56,000 व्यूज आएंगे तो आपके जो है डेली 1,12,000 व्यूज आपके बनेंगे। अब ऐसा नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है माय फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली देखिए आपका एक शॉट हो सकता है वो 1 मिलियन अचीव कर ले, ऐसा भी हो सकता है, एक शॉट हो सकता है वो 10 मिलियन कर ले, और एक शॉट हो सकता है वो आपके 1,000 भी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कम से कम देखिए, मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा, 3 या 4 शॉट्स आप जरूर बनाइए डेली के, और बन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट यूनिक आइडिया चुनिए, ठीक है। आप रिसर्च करिए, चाहे आप यूट्यूब से रिसर्च करिए, चाहे आप किसी और बुक से रिसर्च करिए, और इसमें बेसिकली आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए, जो ट्रेंडिंग में है, जो सर्चेबल में है, वो आपको आराम से मिल जाएगा। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, या और भी सर्चेबल कई साइट्स हैं जहां पे आप सर्च कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन सा चल रहा है, उन ट्रेंडिंग टॉपिक से यूनिक चीज बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, यूनिक शॉर्ट्स आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके व्यूज अचीव हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि यूट्यूब शॉर्ट्स में आपके व्यूज आराम से अचीव हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बट इसके लिए आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप जल्दी जल्दी आप व्यूज अचीव कर लेंगे। मैं एक और वीडियो माय फ्रेंड्स मैं लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं और शॉर्ट्स में जल्दी जल्दी व्यूज कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में भी जल्दी वीडियो आएगी। तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। ऐसी अपडेट्स, ऐसी जबरदस्त अपडेट्स मैं लेकर आता रहता हूँ जिसमें आपकी अर्निंग हो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई लाइव पे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड हमारे साथ जुड़े रहिए, फन इन्फो मैट्रिक्स की फैमिली को बढ़ाइए।